इन दिनों बेबस मजदूरों को अपने घर की ओर पलायन होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही मामला सामने आया है जब 10 ठेलों पर सवार होकर 60 मजदूरों के परिवार अपनी रोजी रोटी वाले आसियाने को छोड़कर अपने निजी घर की ओर कूच करते हुए नजर आए। ये सभी मजदूर साहिबगंज जिला मुख्यालय के बरड़वा प्रखंड के ईश्वरपुर नाम के किसी स्थान पर ईंट भट्टे में काम कर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। इधर जब कोरोना वायरस बीमारी को लेकर लॉकडाउन लागू किया गया तो इन्हें काम करने को कहीं भी नहीं मिल रहा था। वहीं सभी मजदूर के सामने भूख की चिंता भी सताने लगी। अंततः मजदूर मजबूर होकर सभी मजदूर मिट्टी ढोने वाले ठेले को अपना सहारा बनाकर उनमें अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लाद कर अपने शहर बिहार राज्य के बाराहार थाना क्षेत्र के सिरामणि गाँव की ओर पैदल ही चल पड़े। ये सभी मजदूर कल देर रात 1 बजे के आसपास बजड़वा से अपने परिवार व बच्चों को अपने साथ लेकर सड़क के रास्ते ही चल पड़े हैं। वहीं ना इन्हें तो धूप की कोई चिंता है और ना किसी तरह की कोई परवाह, बस इन्हें तो किसी भी हाल में अपने घर जाने की चिंता सताई जा रही है। नगर थाना साहेबगंज के पास NH-80 सड़कों से गुजरने के क्रम में रास्ते में क्षेत्र में कई जाने माने जनप्रतिनिधियों की नज़र भी इन परिवारों के ऊपर पड़ी, मगर किसी ने भी अपने 4 पहिए वाहन से नीचे उतरकर इन मजदूरों की आपबीती सुननी उचित नहीं समझी। ये 4 मजदूर परिवार किसी रहनुमा की मदद और आस लगाए सरपट अपने घर की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। वहीं ना तो ऐसे परिवार को इस हालत में देखने वाला कोई है और ना ही इनकी कोई सुध लेने वाला नजर आ रहा है।